पिछले साल 22 दिसंबर को बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने 3 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा कब्जा कर रखा है। सिर्फ देश भर में ही सलमान कटरीना की फिल्म ने करीब 320 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया। टाइगर जिंदा है की रेस को कम करने के लिए 29 दिसंबर को हॉलीवुड की फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल रिलीज हुई। पर ड्वेन जॉनसन दी रॉक की इस एक्शन एडवेंचर फिल्म कोई बड़ा धमाल नहीं कर सकी और उसने भी टाइगर के सामने अपने घुटने टेक दिए। नए साल के पहले महीने में टाइगर को टक्कर देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर 1921, मुक्काबाज और काला कांटी जैसी 3 फिल्में रिलीज हुई, पर कोई भी फिल्म टाइगर की दहाड़ को कम नहीं कर पाई। और अब एक बार फिर से इस नए साल के पहले महीने में ही संजय लीला भंसाली की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बटोरने वाली फिल्म पद्मावत आखिरकार रिलीज हो रही है। इस फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुछ कट लगाकर इसके नाम को पद्मावती से पद्मावत कर दिया। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इतने सारे कट के बाद भी क्या ये फिल्म टाइगर को रेस में पीछे छोड़ देगी या फिर टाइगर की दहाड़ के सामने पद्मावत फीकी पड़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।